नमस्कार बंधु बान्धव आपलोक सकुके मोर अन्य विद्यालय पुनः स्वागत जानलो आज आम आलोचना करम बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के कलेज और इण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि है एडमिशन प्रसेस तो आरम्भ हम और इण कलेज फीस स्ट्रक्चर तो कि है सम्पूर्ण कथि आज भिडियो आम वन बै वन डिस्कस करम सो भिडियो शेष लगे चाह सो भिडियो आरम्भ कर आगत आपलोलोक सकोलो रिकेस्ट एटा थे चेनेल तो सबसक्राइब करना चेनेल तो सबसक्राइब कर लब और नोटिफिकेशन तो अन कर कारण आम चेनेल थ्रोदी नीट जेई एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट जॉबर इनफॉरमेशन कटा दिया है सो बोलक आज पलम नक आम भिडियो आरम्भ करूँ सो आज प्रथम आपलोक बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स तो थका कि यूनिवर्सिटी आसमाना कलेज आए मोर स्क्रीन में आपलोक क्लियरलि देखा पासे बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ब्रेकेट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यार माने हल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर कि गवर्नमेंट कलेज आए जो बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स तो आए सो प्रथम कलेज तो आए एशियन इन्स्टिट्यूट अफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भास्कर नगर चांदमारी सो यू गुवाहाटी आए सो कलेज तो प्राइवेट है तार पास सेकेंड दी से दरंग कलेज सो दरंग कलेज तो तेजपुर आए तार पास थर्ड नम्बर दी से पांडू कलेज सो पांडू कलेज तो गुवाहाटी आए यह सेल्फ फाइनेंसिंग है सो सेल्फ फाइनेंसिंग कि है आपको मैं पीछे जानम अपनी भिडियो शेहलैक चाह सो ये तीन कलेज अपना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर है सो इण अपना पैसा तो अलग बेसि लगे पे कारण कलेज क्या प्राइवेट है किंतु एबार आपलोक एटा कलेजर नाम कम जो प्योरली गवर्नमेंट है किंतु आपलोक जाने प्योरली गवर्नमेंट हलो मिनिमम फीस एटा दिब लागे एडमिशन फी सो एटो हल कॉटन यूनिवर्सिटी सो कॉटन यूनिवर्सिटी प्योरली गवर्नमेंट है कॉटन यूनिवर्सिटी एडमिशन टू 2023 सीयूईटी मार्क्स बेसिस हम सो आपलोकर मेरिट बेसिस नहय एटो सीयूईटी जिमान मार्क्स पाय हे मार्क्स बेसिस आपुनी एडमिशन तो लब पारिबो एबार आपलोक किसुमान प्राइवेट कलेजर नाम देखाम जो आपुनी प्राइवेटली बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी पढ़िब पारिबो सो मोर स्क्रीन आपलोक देखा पासे बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट सो प्रथम कलेज तो हल रॉयल ग्लोबल सो रॉयल ग्लोबल गुवाहाटी आसे सो तार पास सेकेंड आसे आसाम डाउन टाउन सो आसाम डाउन टाउन तो गुवाहाटी आसे तार पास तीन नम्बर आसे यू एस टी एम सो यू एस टी एम तो मेघालय आसे सो एक हल आपनर प्राइवेट सो आपुनी इयाते प्राइवेटली पढ़िब पारिब एबार आपलोक देखाम बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी कारणे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि लागिब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हल आपनकर हायर सेकेंडरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किमान मार्क्स पाइसे हे मार्क्स बेसिस आपलोक एडमिशन तो दिव धरल टोटल स्टूडेंट 1000 एप्लाई करिसे कलेज एटार कारण तक आपलोर 90 सीट आसे सो आपलोर प्रथम स्टूडेंटर किमान पार्सेंटेज पासे हायेस्ट स्कोर धरल कारबा 95% पा स्टूडेंट एप्लाई करिसे और आपनर आसे 90% सो प्रथम 95% थका स्टूडेंटर एडमिशन तो हम तार पीछे 94% हम यार पास 93 हम सो एने के आपलोर मेरीट बेसिस एडमिशन तो हम यार आपलोक एक एग्जाम दु ना सो आपुनी कन्फ्यूजन नाखा यारे एग्जाम आसे ना ना आपलोर बिना एग्जाम हम जार आपुनी एप्लाई लगे कलेज गई पे आपुनी खबर तो लग के फर्म तो ऊल्ए एने के आपुनी जास्ट फर्म तो फिलअप कर एडमिशन तो लो पार सो यार आम आलोचना करम आपलोर फी स्ट्रक्चर तो जो अपनी बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी कॉटन यूनिवर्सिटी अंडर करें तो अपना तीन बस भर 1.3 लाख एप्रक्स एमाउंट लगभग पे सो यू श्योर नए कारण यू लास्ट इयर आसे 1.3 लाख सो यार अलग इनक्रीज हम पे कि एज कम्पेयर टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कलेजर तुलना कर बहुत कम आपनर कॉटन यूनिवर्सिटी बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ पार आपको देखा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर जिम्मेदार कलेज आए तार फी स्ट्रक्चर तो कैने सो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर AIMT फी स्ट्रक्चर तो जो आम चाह जाओ तेने 2021 आज 53,000 एडमिशन फी आसे सो आपुनी स्टार्टिंग जैसे एडमिशन तो लगभग 53,000 एडमिशन फी दी लगे कारण 53,000 भर बहुत किसान बस्तु इनक्लूड हो जाए धरल ड्रेसर पर इनक्लूड कर पे बाकी सब बस्तु इनक्लूड हर कारण एडमिशन फी तो अलग बेसि लगे सो एडमिशन समय आपुनी 53,000 एट पेमेंट कर लगे यार पीछे जिमान क्या सेमिस्टार थको अपनी 33,000 के पेमेंट कर लगे ठीक तेने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडर पांडू कलेज आए गुवाहाटी सो पांडू कलेजर फी स्ट्रक्चर तो AIMT निचिना सेमे थे एप्रक्सिमेटलि सेम थ कारण सीट सेल्फ फाइनेंसिंग है सो एटी आपलोक मैं बुझाम सेल्फ फाइनेंसिंग माने कि सेल्फ फाइनेंसिंग माने हल आपुनी एटा गवर्नमेंट कलेज पढ़ ठीक किंतु आपुनी प्राइवेट कलेज निचिना एडमिशन फी तो सेमिस्टार फी तो पेमेंट कर लगे कि फाइनली जैसे अपना कोर्स तो कम्प्लीट हम तैयार सार्टिफिकेट तो गवर्नमेंट कलेज सार्टिफिकेट तो पा सो एने के अपना गवर्नमेंट कलेज निचिना फी स्ट्रक्चर तो नाथा अलग बेसि थके सो हेटो हल सेल्फ फाइनेंसिंग सो यार आपलोक मैं और कोर्स विषय जानम सो हल बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी सो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कारण सिलेक्शन प्रोसेस तो हम आपलोर एंट्रेंस बेसिस
सो आपुनि एन्ट्रेन्स पास करा पिसत आपुनि एडमिशन तो लब पारिबो कारण एतु अलप इंजीनियरिंग टाइपर होय सो इंजीनियरिंग लाइनर बस्तु तो आपुनि एन्ट्रेन्स दि पेलाय एडमिशन तो लब लागिबो इयात आपुनार मेरिट बेसिस एडमिशन न होय কিন্তু বিএসসি বায়োটেকনোলজি তো এনেকুৱা নহয় আপুনি মেরিট বেসিস এডমিশন তো পাই যাব কিন্তু বিটেকৰ কাৰণে আপুনি এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব এবাৰ আমি চাম বিটেক ইন বায়োটেকনোলজি সো ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়াটো হ'ব আপোনাৰ এইচএছৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি আৰু মেথছ সো ইয়াত আপোনাৰ কনফিউজন এটা থাকিব পাৰে মেথছটো কম্পালছৰি নেকি সো আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইচএছত কোনোবাই মেথছ লৈছে কিন্তু মেথছটো এজ এ ফোর্থ সাবজেক্ট হিচাপে ৰাখিছিলে সো মেথছটো আপোনাৰ কম্পালছৰি হয় আপোনাৰ মেথছ সাবজেক্টটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ যদি ফোর্থ সাবজেক্ট থাকে মেথছটো তেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মেইন সাবজেক্টত নাথাকিলেও হ'ব কিন্তু আপোনাৰ মেথছ সাবজেক্টটো কম্পালছৰি হয় কাৰণ বিটেক বায়োটেকনলজিটো আপোনাৰ টোটেলি ইঞ্জিনিয়ৰিং বেসিস হয় সো আপোনাৰ মেথছটো কম্পালছৰি হয় এতিয়া যদি আমি বিটেক ইন বায়োটেকনলজি কোর ডিউৰেশ্যনটো চাওঁ সো আপোনাৰ বিটেক ইন বায়োটেকনলজিটো আপোনাৰ টোটেল আটটা ছেমিষ্টাৰ হয় টোটেল ফোর ইয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগিব বিএসসি বায়োটেকনলজিটো আপোনাৰ তিনি বছৰ আছিলে ছটা ছেমিষ্টাৰ কিন্তু বিটেকটো আপোনাৰ চাৰি বছৰ পঢ়িব লাগিব সো ইমানখিনি আছিলে আজি বিএসসি বায়োটেকনলজি আৰু বিটেক বায়োটেকনলজিৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম বা টেলিগ্ৰামত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।